फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 9 के एग्जांपल नंबर 6 को कराने जा रहे हैं। द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। देखिए हमने क्या किया फ्रेंड्स, एक तो हमने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी यानी बड़ी सी, एक मैंने 8 मीटर टॉल बिल्डिंग बना ली यानी छोटी बिल्डिंग बना ली। अब क्या है, इसके टॉप से जब हम देख रहे हैं तो ये जो छोटी वाली बिल्डिंग है ना, इसके टॉप का एंगल ऑफ डेप्रेशन, देखिए ऊपर से देख रहे हैं तो हम एंगल ऑफ डेप्रेशन की बात करेंगे, तो कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। जब हम इस छोटी वाली बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हैं यानी नीचे की तरफ देख रहे हैं, तब एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना गिवन है, तब ये मेरे को गिवन है 45 डिग्री। कितना गिवन है, 45 डिग्री। अब देखिए 45 इस वाली लाइन से बन रहा है तो ये 45 फ्रेंड्स, तो ये भी मेरा 45। इसको मैंने आगे बढ़ा लिया, देखिए ये वाला 30 तो ये किस लाइन से बनकर बन रहा है, इस वाली से, तो ये भी हो गया मेरा 30। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने मान लिया x। देखिए ये 8 मीटर है तो मैंने कहा ये भी 8 मीटर है और इसको मैंने मान लिया h। क्या मान लिया, h। अब मैंने इन्हें नाम दे दिए, मैंने कहा ए बी सी डी और इसे नाम दे दिया ई। एक बार मैं क्या करूंगी, एक बार मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लूंगी ए बी ई। तो मैं यहां मेंशन कर दे रही हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बता दूं कि यदि मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेनियस। एंगल है यदि ये, इसके सामने वाली साइड कहलाएगी मेरे पास परपेंडिकुलर और बची हुई साइड मेरे। उसके अलावा चलिए कर लेते हैं ए बी ई की बात। ए बी ई में मैं कह सकती हूं कि टेन, टेन क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यदि मैं ए बी ई की बात कर रही हूं तो टेन थर्टी, टेन थर्टी मेरा क्या हो जाएगा, टेन थर्टी हो जाएगा मेरा। देखिए इस वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा ये वाला यानी ए बी। क्यों, क्योंकि ए 30 के सामने वाली साइड्स तो मेरी ए बी है, देखिए ये रही 30, ये रही इसके सामने वाली साइड। अब हम क्या करेंगे, बेस क्या हो जाएगा मेरा, देखिए मैंने इसको एक्स माना था तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इसे मैं कहूंगी बी ई, टेन थर्टी की वैल्यू होती है मेरी 1/√3, ए बी की वैल्यू है एच और बी ई की वैल्यू है मेरे पास में एक्स। मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक्स इंटू 1 किया एक्स आया, √3 इंटू एच किया मेरी वैल्यू आ गई √3h। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, अब की बार राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ए सी डी, तो मैं कहूंगी इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी। अब एंगल क्या है मेरे पास, 45, तो मैंने लिखा 45, टेन 45। अब 45 के सामने तो ये पूरी साइड है यानी इसका मैं क्या नाम दूं, इसको मैं नाम दूं एसी यानी परपेंडिकुलर। बेस क्या है भाई, ए सी डी के लिए बेस है मेरा ये सी डी, तो मैंने कहा सी डी। 1045 की वैल्यू रख दी मैंने, 1 आ गया। एसी की वैल्यू रख दी मैंने, एसी की वैल्यू है मेरी एच प्लस 8। देखिए यहां से लेके यहां तक इतना है h, बचा हुआ है 8, तो h प्लस 8। cd की वैल्यू रख दी मैंने, cd की वैल्यू है x। अब मैंने क्या किया, मैंने कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ गई h प्लस 8। x का मल्टीप्लाई 1 में 1 आया, h प्लस 8 का अब 1 में मल्टीप्लाई करूंगी, h प्लस 8 ही आया। अब एक तो मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जरा इस डायग्राम को रेस करने जा रही हूं। अब मैं इन दोनों इक्वेशन से x और h की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। अब मैंने x की वैल्यू जो थी ना √3h वो यहां रख दी, यहां रख दी, तो √3h h
प्लस 8, h का टर्म इधर ले गई तो ये हो गया मेरा अंडर रूट 3h माइनस एच इज इक्वल टू 8। दोनों के पास h था, मैंने h कॉमन ले लिया, यहां बचा मेरा अंडर रूट 3, यहां मेरा बचा माइनस का 1 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। ये किसमें है, मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी तरफ भेजूंगी तो डिवाइड में चला जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। अब क्योंकि नीचे रूट का टर्म दिखाई दे रहा है तो मैं इसे क्या करूंगी, रेशनलाइज करूंगी। इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो इसे इरेज कर रही हूं और इसे मैं यहां लिख ले रही हूं कि एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एच, या यूं कहूं एक्स की वैल्यू है अंडर रूट 3h, इसे मैंने साइड में लिख लिया। अब इसको रेशनलाइज करने की मेरी प्रोसेस रहेगी, तो रेशनलाइज करने के लिए इसका साइन बदल के मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, या यूं कहूं ऊपर और नीचे। तो मैंने अंडर रूट 3 प्लस 1 का ऊपर और अंडर रूट 3 प्लस 1 का नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया मेरा 8 अंडर रूट 3 प्लस 1। और यहां देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ये हो गया एक बार अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा माइनस 1 का स्क्वायर। अब अगली बार मैंने क्या किया, 8 अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करूंगी मेरा आएगा 3, यहां 1 का स्क्वायर करूंगी 1 आया, तो मेरा इस तरीके से आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया 8 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, टू फोर जा 8, तो यहां मैं कहूंगी कि मेरा आंसर आ गया h का 4, टू फोर जा 8, ब्रैकेट में आ गया अंडर रूट 3 प्लस 1, आगे मैं लगा दूंगी मीटर। लेकिन अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट क्या थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट थी ac और जो कि थी h प्लस 8, या यूं कहूं 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस 8। तो इसे जरा सॉल्व कर लीजिए, 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 प्लस 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर आ गया 4 अंडर रूट 3 प्लस 12। या तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, तो अंडर रूट 3 और 4 3 जा 12, तो ये आपका, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट आ गई, पीछे एम जरूर लगा दीजिएगा मीटर। ये एक्स एच की वैल्यू नहीं है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि भाई एक्स क्या था, एक्स था आपका अंडर रूट 3 एच और ये था आपका एच, तो यहां आप ऐसा करिए एच की वैल्यू रख दीजिए, तो एच की वैल्यू मैंने रखी, तो एच की वैल्यू क्या है मेरी, 4 अंडर रूट 3 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लिया मैंने, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करूंगी 3 आएगा, 4 को बाहर ही रहने दीजिए, और अंडर रूट 3 का जब 1 में मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा अंडर रूट 3। तो ये तो हो गई, पीछे मीटर जरूर लगाएंगे हम, तो ये क्या हो गई मेरी मीटर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई ये तो हो गई मेरी दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस, और ये हो गई मेरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।